समय सीमा की बैठक में अधूरी जानकारी लेकर पहुंचे कई विभाग प्रमुखों को नवपदस्थ जिला कलेक्टर अनबलगन पी ने बैठक से बाहर का रास्ता दिखा दिया। गौरतलब है कि विभागीय कार्यों की समीक्षा प्रत्येक सप्ताह समय सीमा की बैठक में जिला कलेक्टर द्वारा की जाती है। इस बार भी विभागवार पेंडिंग मामलों, शिकायतों और अधूरे कार्यों को लेकर समीक्षा की गई, जिसमें शिक्षा विभाग पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी ने पूरी जानकारी प्रस्तुत नहीं की, जिस पर जिला कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें बैठक से बाहर कर दिया और पूरी जानकारी के साथ ही अगली बैठक में उपस्थित होने निर्देश दिए। सिर्फ यह है कि जो अधिकारी जानकारी के अभाव में या जानकारी नहीं लाते हैं उनको कहा गया कि आप जानकारी के साथ आइए। बाकी ये प्रयास ये रहता है क्योंकि शासन के अधिकांश जो पत्राचार है, जो मामले रहते हैं, जो प्रकरण रहते हैं, कुछ चीज़ें जो समय सीमा के साथ निराकरण करना होता है उसको हर सप्ताह एक बार समीक्षा करने से उसमें तेज़ी आता है, जल्दी काम होने का संभावना रहती है। दूसरा, एक विभाग दूसरे विभाग के साथ मिलकर काम करना होता है, कई योजनाएं उसके चलते जो है थोड़ा धीमी हो जाता है। अगर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन इस वजह से बनता है तो काम जल्दी हो सकता है, उसको भी इस बैठक में हम प्रयास करते हैं। सामान्यतः एक घंटे चलने वाली टीएल की बैठक इस बार दो घंटे चली, जहां जिला कलेक्टर ने सभी विभाग प्रमुखों की क्लास ली और बेहतर क्रियान्वयन के लिए निर्देशित किया। इस दौरान सभी विभागों को जवाबदारी से कार्य करने निर्देश देते हुए लापरवाही बरतने पर कार्रवाई का सामना करने भी नसीहत दी गई। कैमरामैन राकेश साहू के साथ रमेश राजपूत, सिटी न्यूज, बिलासपुर।